नमस्कार मैं हूं असीम अक्रम टेक्निकल आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है सो so, आइए फ्रेंड्स ये हम लोग का चौथा नंबर का वीडियोज है इसमें मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं एक इजी वाटर सेफ का सॉल्यूशन एंड इसमें जो है आप लोगों को मिलेगा इजी वाटर पम्प कट का सोल्यूशन वो भी बिना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के एंड मैं इसमें क्या क्या इस यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक तो मैं सबसे पहला नंबर में ये इसको ऑटो कट करने के लिए मैं एक कार का स्टॉप लाइट का स्विच यूज करने वाला हूँ ये जो कार का स्विच आप लोग देख रहे हो इस कार का स्विच को मैंने वाटर टैंक का जो स्विच है उसका साथ में सीरीज में कनेक्शन किया हूँ सो so, इसको देखिए आप हाथ से भी छू सकते हो प्लास्टिक का है सो so, इसको थोड़ा सा दबाते ही देखिए मोटर ऑटो काट हो जाएगा सो so, फ्रेंड्स देखिए इसे थोड़ा सा दबाते ही मोटर अपने आप ऑटो काट हो जाएगा सो so, इसको मैंने एक प्लास्टिक में ही फिटिंग किया हूँ और ये जो आप लोग प्लास्टिक देख रहे हो ये प्लास्टिक जो है मैं यहाँ से कटिंग किया हूँ सो so, आप लोग देखते रहिए वीडियोस या मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में इस वाटर टैंक में कितना पानी है एक सौ लीटर है एक सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ छः सौ सात सौ सिर्फ ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को दिखाने वाला भी हूँ आप लोग नीचे से देख सकते हैं टैंक में पानी कितना सो so, आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हो कि हम लोग का वाटर पम्प में पानी का लेवल कितना है एन आपका पानी का लेवल जो कितना है उसको दिखाने के लिए मैं एक ट्यूबलाइट का यूज़ करूँगा सो so, फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं इसमें पानी भरने दिया हूँ एक सौ लीटर भरने के बाद इसको हम जो है मापेंगे एक्चुअली मैंने यह मैं सात सौ बा कर लिया हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात और जो पचास लीटर है वो मैंने छोड़ दिया खाली के लिए क्योंकि टैंक को जो है ऊपर में थोड़ा सा खाली जगह चाहिए सबको मालूम है सो मैंने पचास लीटर छोड़ दिया सो फ्रेंड्स मैं इसमें पहले एक सौ लीटर पानी उठाऊंगा इस स्विच को देखिए ये ऑटो कार्ड है मोटर का स्विच ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा इससे देखिए ये पानी अपने आप जो है पानी चलेगा हम मैं दिखाने का कोशिश करूँगा आप लोगों को सो फ्रेंड्स देखिए इस स्विच का मदद से मोटर चल रहा है यानी इसको जब भी ये थोड़ा सा हल्का सा भी दबा दीजिए तो मोटर अपने आप जो है ऑटो काट हो रहा है ये देखिए पानी बंद हो गया ठीक इसी तरह मैं यह पर ऑटो काट करने वाला हूँ इजीली एंड आपका वाटर टैंक में भी हम लोग कोई भी तार नहीं डालने वाला है तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग अभी क्या करने वाला है ये जो पाइप है ये देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से इस पाइप को मैंने एक मीटर का रूप में यह में लगाया हूँ ये ना कि आपका आउटपुट भी नहीं है इनपुट भी नहीं है मोटर का तो इसमें मतलब हम लोग ओनली जो वाटर पम्प को ऑटो काट एंड जो यह मैं हम लोग का टैंक में कितना पानी है वो दिखाने के लिए इस पाइप का यूज किया हूँ एंड मैं इसमें सिर्फ तीन चीज यूज करूँगा एक इस पाइप को हम लोग का जो ओल्ड मॉडल का जो ट्यूबलाइट होता है उस ट्यूबलाइट को यूज करूँगा सो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को सो मैं आप लोगों को इस ट्यूबलाइट दिखा रहा हूँ जैसे कि ये ट्यूबलाइट देख रहे हो आप लोग सो इसमें जो है रेड टैप को यूज किया हूँ यह हमें यानी कि दिखाई दे जब आप लोग इस टैंक में पानी भरोगे जैसे कि आपका 200 लीटर जब हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा और 300 लीटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा उठ जाएगा चार फिर उठ जाएगा ऐसे जो है उठ जाएगा फिलहाल मैं इसको यह हमें डाल दूंगा सो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा हेल्प का जरूरी है सो मैं थोड़ा सा हम लोग का जो एडिटर है उसका हेल्प लूंगा थोड़ा प्लीज आइए आप आगे थोड़ा सा इसको आगे कीजिए फिलहाल इसमें एक लीटर पानी में डाल के रखा हुआ हूँ और थोड़ा सा सो oh फ्रेंड्स yeah. so ये ट्यूबलाइट जो देख रहे हो इसमें हम लोग ऐसे डाल देंगे धीरे धीरे यानी हमें मैं कटिंग करके रखा हुआ हूँ जैसे कि ये ट्यूबलाइट हम लोग डाल दिया अभी हम लोग मोटर को चालू करेंगे जैसे यह हमें आपको देखना है कितना पानी है सो फ्रेंड्स मैं टैंक में कितना पानी है वो देखने का कोशिश करूंगा सो फ्रेंड्स देखिए ये पानी का लेवल है यह अभी 50 लीटर हो गया पानी जब दो लीटर पानी होगा उसी टाइम से मतलब ये ट्यूबलाइट जो है उठना शुरू करेगा तो देखते रहिए वीडियोस हम लोग उठा रहा है इसको अभी मोटर को हम लोग ऑन करेंगे फिर से फ्रेंड मैं इस ट्यूब को जो दिखाया था उस ट्यूब को डाल दिया हूँ अंदर में एंड ये जो पानी जो है पानी भी मैं फुल कर दिया हूँ टैंक में क्योंकि उतना टाइम आप लोगों का पास भी नहीं है देखने के लिए सो मैं पहले ही रेडी करके ओनली मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ जो कैसे बनाना है इसे सो इस तरह जो है ये स्केल का मदद से मैंने यह में माप माप के जो है पानी को यह में लेवल किया हूँ ठीक है ये दो है ये सात है ये छः है एंड जो तो सात का जो सिग्नल है यह तक आ जाता है लेकिन इस स्विच को जो दबाना पड़ता है थोड़ा सा प्रेशर के लिए मैंने स्विच को यानी जो स्विच को दबाना पड़ता है उस स्विच को दबाने के लिए मैंने स्विच को थोड़ा सा नीचे में फिट किया हूँ यानी चार्सों में फिट किया हूँ तो जब चार्सों में मतलब पानी हो जाता है तो उस स्विच को जो ब्रेक स्विच दिखाया था आप लोगों को उस ब्रेक स्विच को कनेक्ट कर देता है वो जो ट्यूबलाइट एंड जब 700 लीटर पानी कम्प्लीट हो जाता है तो वो प्रेशर पूरा बन जाता है इस ट्यूबलाइट में तो स्विच को ऑटो कट कर देता है स्विच को दबा देता है तो अपने आप अप मोटर ऑटो कट हो जाता है सो मैं फिलहाल मैं टैंक में पानी नहीं डालने वाला हूँ देखिए फिलहाल पूरा हिसाब का पूरा पानी है यहाँ तक सात लीटर का है ऑलरेडी मैंने फिफ्टी लीटर छोड़ के ही बनाया हूँ सेवन का ही बनाया हूँ माप के आप लोग भी इसी तरह से माप के बना सकते हो एंड मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ये देखिए ये थोड़ा सा भी नीचे कर दीजिए तो अपने आप जो मोटर जो है वो चल जाएगा जाएगा सो मैं एक बार फिर से दिखाने का कोशिश करता हूँ जैसे कि आप लोग जैसे कि ये पाइप देख रहे हो फिलहाल ये टैंक फुल है मेरा क्योंकि इतना टाइम तो आप किसी के पास है नहीं सो मैं पहले से ही फुल करके रखा हूँ जो ये ट्यूबलाइट जो देख रहे हो ट्यूबलाइट का सामने में मतलब रेड टैप मारा हुआ है सो तो इसी से नीचे से भी पता चल जाएगा एंड आप लोग इसमें क्या कीजिए इसमें सेलो टैप मार दीजिए या कोई प्लास्टिक का ग्लास भी मार सकते हो सो तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये देखिए प्रेशर बना हुआ है इसमें जो है ये देखिए मोटर वाहन हो गया इसमें जो है पानी आ जाएगा धीरे धीरे देखिए ये देखिए पानी आ गया सो तो तो so, फिर देखिए ऐसे ऐसे जो ये धीरे धीरे जैसे पानी पानी जब टैंक में भर जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा एंड फिर से मोटर ऑब हो जाएगा एंड फिर जब आप ऐसे को फिर दबा दीजिए अभी तो फिलहाल हाथ से दबाना पड़ेगा जैसे फिलहाल आप फिलहाल आपको हाथ से दबाना पड़ेगा बट जिस टाइम में आपका वाटर टैंक में अगर पानी नहीं रहेगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा एंड उसको दबाना भी नहीं पड़ेगा देखिए अभी मैंने छोड़ दिया तो अभी मोटर बने सो इसी तरह से जो है आप लोग सो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है आप लोग अपने से घर में ऑटो कट वाटर पम्प का टैंक बना सकते हो इजीली एंड इसमें कोई भी सर्किट भी यूज़ नहीं करना है एंड जो इलेक्ट्रिक का जो वायर है वो भी कोई टैंक में डालने का जरूरी नहीं है एंड ये जो दो तार देख रहे हो ये दो तार क्या करना है आपका जो मोटर का स्विच है उस स्विच में सीरीज कनेक्ट कर दीजिए एंड एक स्विच स्विच से एक तार में डाल दीजिए और इसका जो दूसरा तार जाएगा वो दूसरा तार मोटर में डाल दीजिए एंड मोटर का एक तार जो है डायरेक्ट न्यूट्रल में फिट कर दीजिए सो इस तरह से जो है आप लोग आराम से एक घर में वाटर से सोल्यूशन बना सकते ते हो सो so फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग का ऐसा हो जाता है कि जैसे हम लोग कभी नहाने गया तो देखते हैं टैंक में पानी नहीं so, किया, है स्विच देने गया देखते हैं बिजली नहीं है so, सो उसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग टेक्निकल आसाम की तरफ से कोशिश करते रहता हूँ एंड मैं भी यूट्यूब में वीडियोस देख देख के जिस जिस तरह का वीडियोज़ थोड़ा कम रहता है कमती खर्चा में जो अच्छा प्रोडक्ट आप लोग घर में बना सकते हो उसी चीज़ को हम लोग एनी टाइम खोजते रहता है एंड जो चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत घर में बना लेते हैं उसी हिसाब का हम लोग वीडियोज़ डालते हैं सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो देखकर अच्छा लगा एंड मैं कोशिश करूंगा आगे इससे भी और अच्छा वीडियोस लेके आप लोगों का सामने में हाजिर होऊंगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई टेक्निकल असम चैनल थैंक यू